हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ योर मैथमेटिक्स क्लास फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.2 एंड वी डिस्कस अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. ओके, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ योर सिंप्लीफाई. ओके, सो लेट्स सी योर क्वेश्चन नंबर वन. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. सिंप्लीफाई करना है आपको इसमें. 3/8 माइनस ब्रैकेट माइनस 2/7 प्लस ब्रैकेट माइनस 4/14. ओके, ये क्वेश्चन आपका है, इसको आपको करना है सिंप्लीफाई. ओके, तो देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. सिंप्लीफाई मतलब आप ये समझिए, आज तक आपने जो भी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको एक क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके देखना है. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, ये है माइनस, ये 3/8 है माइनस, ब्रैकेट में एक बार और यहाँ पे माइनस है, तो आप क्या करोगे, आप जानते हो कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आपने यहाँ प्लस कर दिया है. प्लस माइनस क्या होता है आपका, ये देखिए प्लस माइनस होता है आपका माइनस. ये सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन किया. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3/8 प्लस 2/7 माइनस 4/15 हमें ये मिल गया है. अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहला क्या करते हैं स्टेप, हम जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं, जैसे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 15 है. ठीक है, इन तीनों का हम क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम. 8, 7 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 8 का आप लीजिए तो क्या होता है, 2 × 2 × 2. ठीक है, मतलब 2 स्क्वायर. 7 का होता है 7 की पावर 1, और 15 का क्या हो जाएगा आपका, 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1. एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर होती है. ठीक है, तो 3 की 1 पावर है, 5 की 1 है, 2 की 2 है और 7 की 1 है. तो इन सबको आप साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 5 × 3 = 15, 2 = 30 और 37 = बच्चों इस तरीके से आपको लेना है एलसीएम. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको मिलेगा 840. ये आपका हो गया है एलसीएम. अब आपको क्या करना है, देखिए अब हमारे पास जो ये एलसीएम आया है, इसमें हम जितने भी हमारे तीनों नंबर हैं उनके डिनोमिनेटर को हमको 840 यहाँ पे बनाना होगा. किस तरीके से हम इसको बनाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे. सबसे पहले हमने लिया 3/8 वाला टर्म. ठीक है, 840 था हमारे पास, तो डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको 840 मिल जाएगा. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 है, 840 था हमारे पास, तो इसको आप देख लीजिए कि किस नंबर से ये आपका करने पे मिल रहा है. 8 × 1 = 8 हो रहा है, और 40 है तो 0 यहाँ बढ़ाओगे, 8 × 5 = 40, तो 105 को जब आप करते हो मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा यहाँ पे 840, और इस 105 को ही ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 315/840. ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी करेंगे. 2/7 है, 840 है यहाँ पे, तो 7 से सबसे पहले 840 को डिवाइड करके देख लीजिए कि कितने बार में ये जा रहा है. 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14. ठीक है, ये 0 बचा यहाँ, 120. ठीक है, तो यहाँ अगर आप 120 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 840, और इसी तरीके से न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना है इन चीज़ों का. और यहाँ पे क्या मिला, 240/840. तो हमने डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल कर लिया. थर्ड अब हमें देखना है, 4/15 है यहाँ पे आपका, तो 4/15 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि 840 मिलेगा. 15 से सबसे पहले क्या करो, 840 को डिवाइड करके देख लो, जो नंबर यहाँ पे आपका आएगा वही आपको मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो जब आप करोगे इसको सॉल्व तो आपको मिलेगा 56 यहाँ पे. ठीक है, तो क्या करोगे, 56 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 840 मिल जाएगा. यही जो डिनोमिनेटर में आपने किया यही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, तो हमने क्या किया, हमने तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर लिया है. अब इसके बाद आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन था ये था ना हमारा, इनमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दो. 3/8 की जगह 315/840, इसी तरीके से 2/7 की जगह 240/840, और -4/15 की जगह 224/840. इस तरीके से आप इसमें वैल्यू को पुट कर दो. अब आप देख रहे हो कि सबका डिनोमिनेटर हो गया है सेम,
तो आपको 840 एक बार लिखना है और ऊपर के सारे नंबर नोट करने हैं विथ साइन, उसके साइन जो भी हैं उनके साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कर दिया है नोट, ये आप देख सकते हो। अब आप इसको कर लो सॉल्व, इन दोनों को ऐड कर लो और जो आएगा उसमें से इसे माइनस कर लो, तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको यहाँ पे मिलेगा 331 अपॉन 840। ये आप अपने से करके देखना प्लस माइनस वाला, तो आपको ये आंसर फाइनली मिल जाएगा। ओके, आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे, मैंने आपको एक कराया है, बाकी के आपको अपने से करने हैं। ओके, और उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट। अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, एडिशन पढ़ा और सिंप्लीफिकेशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपके सारे नंबर्स हैं, ठीक है। ये आप देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया है कि आप प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हो। जितने भी न्यूमरेटर में नंबर होते हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हो और जितने डिनोमिनेटर हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बच्चों जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, जितने होमवर्क दे रही हूँ, वो सब कुछ आपके फेयर कॉपी में नोट होने चाहिए विद सॉल्यूशन, आपको करने हैं सारे। ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -6/17 इंटू 34/9 मल्टीप्लाई -16/21। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, देखिए हमने कैसे, मैंने आपको कैसे बताया था, जितने भी नंबर हैं उनको साथ में लिख दो, 6 × 34 × 16 / 17 × 9 × 21 इस तरीके से, ठीक है। और निगेटिव साइन था तो निगेटिव आप बाहर यहाँ पे लगा देना एक बार। ओके, इस तरीके से सारे नंबर्स आपको पहले लिखने हैं, यहाँ पे ये नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ माइनस साइन थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने अगर सारे नंबर साथ में लिखे तो उसके बाद हमने इसको क्या किया, कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए हमने इसको काट के देखा, 2 से सबसे पहले हमने देखा तो क्या होगा, 3 × 2 = 6 होगा और 3 × 3 = 9 आएगा यहाँ, और 17 × 2 = 34 आएगा। ओके, और उसके बाद देखिए और कोई नंबर है जो कट रहा है आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है जो कैंसिल आउट हो रहा है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, हम जो भी नंबर अब हमको मिले हैं जैसे 2 × 2 = 16 और नीचे है 3 × 21, इन सबको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए 2 × 2 = 4, 16 × 4 = 64 और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा आपका 63। तो फाइनली आपको क्या मिला है बच्चों यहाँ पे आंसर, ये आपको माइनस में यहाँ मिलेगा, माइनस लगा लीजिएगा, यहाँ माइनस मिसिंग है आपका, -64/63, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका प्रोडक्ट का तरीका। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है माइनस और माइनस आपका था, तो दो बार माइनस था तो क्या होता है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको माइनस नहीं लगाना, ये पॉजिटिव हो गया है साइन आपका। ओके, ये था आपका प्रोडक्ट का सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, ये भी प्रोडक्ट के लिए ही है, सिमिलर प्रोसेस करना है जैसे मैंने आपको बताया है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस और माइनस होता है आपका प्लस, ठीक है। और क्या करोगे, 26/19, 51/25 और 125/17, ये आपको मिल गया है। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करके देख लो, 17 से 51 जाएगा 3 times में, 25 से 125 जाएगा 5 times में, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला यहाँ, 26 × 3 × 5/19, ये आपको यहाँ मिल गया है, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 390/19, ये है आपका फाइनल इसमें आंसर। ओके, आपको इसमें साइन का बहुत ध्यान देना है, जैसे मैंने किया, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है आपका, इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने प्रोडक्ट और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन यहाँ पे किया है, आई होप कि वो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे, हम वो क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफिकेशन का जो आपको इसमें, जिसमें आपको क्या होगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें गिवेन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ दिया हो। प्रोडक्ट में मैंने 3-2 क्वेश्चन बताया है, जो 2 रिमेनिंग है वो आपके होमवर्क है,
इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन में आपके जो 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपके होमवर्क है। ओके, सो आई होप कि बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।